दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करी जाए तो वो ये बात है कि आपको अपनी बाइक से जैसे ओवरहीटिंग या माइलेज रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है तो इस चीज़ पे किन किन किस चीज़ का ध्यान रखना है। इस चीज़ का आपको खास कौन से ध्यान रखना है कि जो आपकी बाइक है, इस बाइक का जो क्लच है वो ज़्यादा ना ही ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ढीला होना चाहिए। जैसे ये है, ये एकदम परफेक्ट है, इतना प्ले आपके में चलती है। लेकिन अगर ये ज़्यादा टाइट होगा तो आपकी बाइक की जो क्लच प्लेट है उसके अंदर प्रॉब्लम आएगी। क्लच प्लेट, यहाँ पे क्लच प्लेट के अंदर प्रॉब्लम आएगी और आपकी ये जो वायरिंग है इसको भी आपको सही से एडजस्ट करानी है। अगर आपकी ये भी सही एडजस्ट नहीं होगी ना तो आपकी बाइक के अंदर माइलेज की भी, क्लच प्लेट ख़राब होने की भी जो प्रॉब्लम है वो भी आएगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप लोगों को इस की ऐसी गलती ना हो जिसकी वजह से आपकी बाइक का माइलेज और क्लच प्लेट और ओवरहीटिंग इन सब की वजह से होता है। तो इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें कि आपका ये जो सेटिंग है ये आपकी हमेशा परफेक्ट रहनी चाहिए। चाहे तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो, और इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि किस तरीके से इसे सेट करना है। अगर ज़्यादा इस तरीके से टाइट वगैरह रहेगा तो आपकी बाइक जो है वो माइलेज नहीं देगी।